गाइज ये आप देख रहे हो, जानवी बहुत सारे कागजों से घिरी हुई क्योंकि मुझे घर वालों ने काम दिया था जो मैंने, और ये सबके सामने बोलते जानवी को तो कोई काम देते नहीं हो, जानवी को तो कोई काम देते, हाँ तो कोई नहीं देता है, करवाती है मुझसे ये जिंदगी में पहली बार कागज लेके बैठी है, कुछ समझ आ नहीं रही है, पहली बार कर करके मुझसे। अच्छा मम्मी बताओ ये आज तक किसने कभी किया। नमस्ते, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आई एम गोपाल एंड आई एम ब्लॉगिंग टुडे फॉर द जस्ट लव ब्लॉगिंग। और आज मैं इतनी ज्यादा चंपू बन के ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। मम्मी ने बहुत मस्त मुझे ऑयल डाल के दिया था और जानवी यहाँ सारा पसारा लेके बैठी हुई है। जानवी मेरे हिस्से का थोड़ा बहुत काम करिए, मुझे अभी जाना है, बहुत सारे काम आज कम्प्लीट करने हैं तो मैं आप लोगों को साथ लेके चलने वाली हूँ। पर उससे पहले हम नहा लेते हैं और बन जाते हैं गुड गर्ल। तो आपको अभी देखना मुझे गुड गर्ल बनते हुए एकदम ही। बताओ ये लोग इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आता। ये बिल वाले जितने भी मॉल्स है इतनी इतनी हल्की इंक लगा के देते हैं, वो इंक सारी उड़ जाती है, फिर बिल मिलते नहीं है, फिर प्रॉब्लम होती है। बट एनीवेज लेट्स गो, लेट्स टेक शावर। हेलो गाइस, आई जस्ट टुक शावर एंड आई एम रनिंग सो लेट कि मैं क्या बताऊं। मैंने बहुत सारी क्रीम निकाल ली आपसे बात करते करते, यस आई एम रनिंग सो लेट। मेरे को बैंक भी जाना है और भी बहुत सारी जगह जाना है, भगवान करे मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। और ये क्या किया है मैंने मैंने ज्यादा ही कुछ परफ्यूम लगा ली। सो गाइस मैं नहीं जाना कहीं बार, मुझे कुछ काम नहीं करने क्योंकि बहुत लंबा दिन होने वाला है, बहुत सारी चीजें निपटानी है। But you gotta do it! और मेरे को सच्ची यहाँ ऐसे बेड पे पढ़ने का मन कर रहा है। बट एनीवेज मैं करूंगी, मैं एकदम मस्त खाना लेके मजे करने वाली। भाई जी बाहर अलग ही लेवल की हवा चल रही है और बिल्कुल ही छुड़ैल लग रही हूँ। माय गॉड, दो बार भाग भाग के गई हूँ मैं, एक्सरसाइज हो गई है मेरी पूरी। पहला स्टॉप बैंक, लेट्स गो। मासी गाड़ी जवा छे पानी भरा हुआ है, so scared। आंटी से पूछ रही थी कि गाड़ी जाएगी या नहीं। देख रहे हो मुझे बहुत ज्यादा जोर से भूख लगी हुई है, मैं कहीं गाड़ी रोक के लेस का पैकेट लेके उसको डिसइंफेक्ट करके खा लूंगी बिकॉज बहुत सुंदर सन आया हूँ यहाँ पे और यहाँ से ना पूरी बस्ती दिखती है। एंड आई एम ऑब्वियसली टायर्ड। ओ सी हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज, इतनी बड़ी छत है यहाँ पे, इतनी बड़ी छत है। सो ये हमारा रहने वाला घर नहीं बन रहा है, दिस इज़ बेसिकली आवर बिजनेस। तो ये हमारे रहने वाला घर नहीं है, ये मत सोचना इतना इतनी बड़ी टेरेस वाला घर हमारा बन रहा है, ना 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 ना। हेलो गाइस, आई जस्ट केम बैक। बहुत सारे काम थे, मैंने ना बीच में तो बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं किया, मतलब मैं भूल ही गई थी कि अच्छा मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है। गाइस तो आज जो हमने सोचा था कि हम जानवी का बर्थडे गिफ्ट लेने जाएंगे वो प्लान कैंसिल हो चुका है क्योंकि शाम के 7 बज गए तो मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया। बट आई एम सो हैप्पी कि आज जितने भी सारे इंपॉर्टेंट काम थे वो सारे फिनिश हो गए। मैं बिछवा दूँ, आज तक कभी किया बेडशीट लगाई हो तो? नहीं, मुझे बेडशीट लगानी नहीं आती। आपको करना क्या आता सिर्फ? जानवी इतनी बुरी है, मुझे फोन करके बोलती है दीदी इधर मुझे अर्जेंट काम है। क्या काम है, खुद नहीं आ सकती वहाँ पे, क्या करूँ? पहली बार मैं इसे टेक्निकल चीज सीख रही हूँ जिंदगी में, पहली बार। देख रहे हो मैं जानवी को टेक्निकल चीज सीख के आई हूँ, मेरे को लग नहीं रहा कर पाएगी। अच्छा बता दिया, अगर कर लिए तो कितने पैसे देगी? वही मेरे कैमरे में चींटी लगी हुई है। अरे मम्मी चींटी कैसे आ गई? शिट 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 शिट, अरे बहुत सारी चीट। जरा से लाइट बंद कर दे, अभी से मुझसे इतने काम करवाए, ये कर वो रख चद्दर दे ये डाल वो डाल, क्या तीन काम करवाए? पर्दा मैं खोल के जाने वाली हूँ, पद्धर और लाइट में चालू छोड़ के जाने वाली हूँ। सब बंद करके जा। नहीं जाऊंगी मम्मी। गुड नाइट। इतनी मरी हुई थी मैं तो, मेरे को लग रहा है मैं नॉर्मली करती हूँ। I stay on my bed for 24 hours. बताओ मैं वीडियो कर दूँ क्या? So true, जानवी का regular basis पे चलता है staying in this bed for 24 hours. ये जब रूम से बाहर आती तो हम कहते हैं ओह कुछ
नया हो रहा है। तो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है खत्म, आई एम सो हैप्पी। अभी शाम के 6 बज रहे हैं तो मुझे नहीं पता मैं आज अपलोड करूँ या कल अपलोड करूँ। हेलो हेलो कैंचो, बस मजा माँ। क्या बोल रही हो? हम दोनों को मजा आता है उसको, देख रहे हो? मेरी मम्मी को मजा आता है, जानू को परेशान कर रहे हो तुम, इकट्ठे होकर उसे परेशान करते हो। गुड मॉर्निंग जानू। अभी मैं तेरे सिनेमैटिक शॉट्स लूं, तेरा ना मुंह कद्दू जैसा लग रहा है। मैं छोटी थी तो इनके साथ बहुत खेलती थी। आठ, मैंने अभी तक नहाया नहीं है। आज रात को पता चला घर के बाहर सोने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे आज तक कभी बिना नहाए सोने ही नहीं देती है। वैसे इट्स अ गुड थिंग, बट यार कभी कभी तो यार आलस आता है, क्योंकि बारिश का मौसम है, गर्मी नहीं है। बट ठीक है, आप लोग मुझे गंदा वाला जज तो नहीं करो, मतलब मैं गंदी हूँ ऐसा सोच के, पर कोई नहीं। अभी हम नहा लेते हैं, और मेरा बहुत बहुत दिनों से मैगी खाने का मन कर रहा था, पर मैंने अपने आप इतना सेल्फ कंट्रोल कर रखा था, मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डाली थी। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। तो मुझे ना मैगी खाने का मन कर रहा है, तो आज मैं बहुत टेस्टी सी यम्मी सी मैगी बनाने वाली हूँ। हेलो गाइस, मम्मी चीटी ने ठीक अभी भी चीटी चल रही है। हेलो गाइस, तो मैं नहा धो के बन गई हूँ एकदम गुड गर्ल, आज बहुत लेट गुड गर्ल बनी हूँ, बट ठीक है। जानवी जैसी तो नहीं, जानवी ने अभी तक नहीं नहाया है। जानवी का ऐसा मत बोलना यार, ऐसा मत बोलना, क्या ये आप लोगों से सच छुपा के आपको गुमराह करना चाहती है? यही है वो लड़की जो आप लोगों को गुमराह कर रहा है। राम पता क्या हुआ है, ये ना तेरे में बैठी आ रहे हैं मजे? हाँ बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत मजे आ रहे हैं। एक बार बोल देती तो भी समझ में आ जाता। मैं तो लाइट चालू कर रहा हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा होगा। ओह माय गॉड, क्या खाएगी? मतलब कौन सी वाली मैगी खाएगी? अरे कौन सी वाली मैगी खाएगी? सोच तो ऐसे रही है। ठीक है, तो इसको खानी वेजिटेबल मैगी, तो हम बनाएंगे प्लेन मैगी। लेट्स गो। बटर गार्लिक मैगी खाओगी? नो, गार्लिक नहीं। तो मुझे छोटी सी पैन में आधी मैगी बना दो। मैं आप जैसी बोलो मम्मी, मैं इतनी आज्ञाकारी लड़की हूँ, आप जैसी मैगी बोलो, बिना गार्लिक की बिना मैगी की भी मैगी बनानी हो मैं आपके लिए बिल्कुल बना दूंगी। इतनी आज्ञाकारी बेटी हूँ मैं। आप बताइए माता जी, आपको क्या खाना है? ओह माय गॉड, फ्राइड मैगी खाओगे? फ्राइड मैगी नहीं, सिंपल खाना। ओह गॉड, इतनी चींटियों ने आज तक मचा रखा है मेरे छोटे से शरीर पे। भाई ऐसा लग रहा है मेरा शरीर नहीं है, चींटियों का शरीर है, मैं इनके शरीर में रह रही हूँ। जानवी से सच्ची का पूछने आई हूँ कि जानवी कितनी मैगी खाएगी? जानवी बताइए कितनी मैगी खाएगी? नहीं, इतनी मैगी को मैं कैसे जस्टिफाई करूँ? आधा पैकेट, एक पैकेट? आधे में से दो बाइट लेते हैं। थोड़ी सी। अरे थोड़ी सी मतलब एक काम कर, तू अपनी बना ले, तेरे में से थोड़ी सी। मैं मेरी वाली तो एक को देखने भी ना दू, सुनने भी ना दू। दो बना और मैं जितनी खाऊं और बाकी तू खाना। थप्पड़ ना लगाऊं मैं तुझे? दो। गाइस वेलकम टू कुक विद गोपाली। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल और वर्सेटाइल डिश। ये क्योंकि सब लोग अंदर वाले कमरे में थे, मुझे कौन आ गया। मैं ये बताना इसी के मैं बेडरूम के बाहर भी आती हूँ। तू सिर्फ मुझे डरा रही थी एक बार। एक्चुअली जानी तो बेडरूम से निकलती रहती थी। मुझे भी डरा दिया तो पता है डांट लगी तो क्या हो गया। ओह माय गॉड, क्योंकि वो मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ। पर मैंने अभी तक आप लोगों को रेसिपी नहीं दी, दुष्ट तो मैं हूँ। खैर
शिट बच गया, ओह माय गॉड, अरे राम ये भी पूरा गरम गरम बटर गार्लिक का तड़का मेरे पाँव पे गिरता। शिट मेरे को ना मैं वो ब्लॉग करते करते एस्थेटिक्स शॉट्स ले रही थी, शॉट्स शॉट्स। गाइस सो पता नहीं मैं कब ब्लॉग कर रही हूँ, नहीं पता तो है कब ब्लॉग कर रही हूँ। सो इट इज द नेक्स्ट डे और मैं अभी आ गई हूँ यहाँ पे, एक स्टोर है वहाँ पे मुझे बात करनी है कि जानवी के डेकोरेशन का क्या सीन है, इसके बाद हम जाएंगे गिफ्ट लेने। तो मैं ना अभी पिंटरेस्ट पे देख रही हूँ कि हम जानवी की जो डेकोरेशन है वो हम कैसी कर सकते हैं। वैसे मेरे को तो समझ में नहीं आता है पर जानवी लव्स पिंटरेस्ट एंड ऑल। इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, हर जगह पानी भर चुका है और मैं मेरा कैमरा बारिश में लेके कैसे चल रही हूँ। अच्छा कर्सी वाला भी आने लग गया आज, और नॉर्मल वाला दिखाना जरा, ये वाला नहीं भैया, कर्सी वाला नहीं चाहिए, नॉर्मल वाला ही चाहिए। जानवी की एक फ्रेंड है दिशिता, वो जानवी उससे मेकअप वगैरह डिस्कस करती रहती है, तो उससे मैंने पूछा था इसको कौन सी पैलेट वगैरह चाहिए, तो उसने बताया कुछ हुडा ब्यूटी की कोई तो एक पैलेट है जो उसने मुझे फोटो भेज दिया है, वो लेनी है। मैंने वो नायका के ऐप पे सर्च करने की कोशिश की पर वो आउट ऑफ स्टॉक बता रही है, शायद यहाँ स्टोर पे अवेलेबल है तो हम देखते हैं, हमें वो मिल जाती है तो बस फिर हो जाएगा हमारा काम। और एक दो छोटी मोटी चीजें देखनी है उसके बर्थडे के लिए, तो वो भी देखते हैं, लेके चलते हैं। चलिए हेलो गाइस, सो मीट द एडिटिंग गोपाली। तो पता नहीं क्यों मेरे कैमरे ने ऐसा सोचा कि अरे इतनी सारी तो ऑडियो रिकॉर्ड कर ही लिए, यहाँ पे नहीं करता हूँ। बट हाँ, यहाँ पे मैं नायका के स्टोर में गई थी और कुछ हुडा हुडा का बहुत ज़्यादा पैसे देके छोटी सी रंग बिरंगी सी पेंटिंग कलर वाली पैलेट उठा के लेके आई थी। एंड पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, आप लोग गेस कर लो, बिना लिप्स देखे लिप सिंक कर लो। और ये मैं गई थी सरोस्की में जानवी के लिए कुछ तो क्यूट सी चीज़ें देखने के लिए। मैंने दो तीन नेक पीस वगैरह ट्राई किए थे पर लिया हमने बहुत ही कुछ डिफरेंट सा है। सो यस, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, और आई एम गोना मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस। टाटा।